बच्चों निकाल लीजिए 9th क्लास की हिंदी की बुक। लेसन फर्स्ट चल रहा है कबीर की साखियां। तो साखियां में हम पढ़ रहे हैं, तीन साखियां मैंने आपको अच्छे से समझाई है, समझ में आया होगा। फोर्थ वाली देखिए, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निर्भके होई के हरी भजे सोई संत सुजान। इन तीनों पंक्तियों में भी कबीर दास जी ने एक मनुष्य प्रवृत्ति के बारे में, संसार के मोहमाया के बारे में बताया है। और इसमें भी देखिए एक व्यक्ति के बारे में और संसार के बारे में बताया है। पखा पखी के कारण, पक्ष और निष्पक्ष के कारण, अर्थात धर्म और अधर्म के कारण, अर्थात गलत और सही के कारण, ये पूरा जग क्या माना गया है। कबीर दास जी ने इस पूरे जग को क्या बताया है, एक भूल भुलैया जग का नाम दिया है। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष की बातें, कारणे यानी कारण, सब जग रहा भुलान, भुलान बताया यहाँ, भूल भुलैया का रूप बताया किसको, इस पूरे जग को। हम क्या करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, हम धर्म के बारे में सोचते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमें उसके अनुसार चलना है, हमें इसके विपक्ष चलना है, हमें इसके पक्ष में चलना है, हमें इस धर्म को अपनाना है, हमें इस धर्म को नहीं अपनाना है, हमें इस समाज का कार्य करना है, हमें इस समाज का कार्य नहीं करना है, हमें समाज के अकॉर्डिंग चलना है, हमें नहीं चलना है। मतलब ये सारी बातें क्या है, मनुष्य को क्या बना दिया है, एक भूल भुलैया का रूप बना दिया है। तो ये पूरा संसार ही क्या है, भूल भुलैया का रूप कबीर दास जी ने बताया है। इस पक्ष और निष्पक्ष के कारण ही पूरे संसार को भूल भुलैया रूप दिया है। निरपक्ष होई के हरी भजे सोई संत सुजान। अब कबीर दास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो इस पक्ष और विपक्ष को त्याग कर निष्पक्ष भाव रखकर हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति संत कहलाता है, अर्थात वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। जो इस भूल भुलैया के जाल से बाहर निकल जाता है, जो इस पक्ष और निष्पक्ष के रूप में, पक्ष और विपक्ष के रूप से बाहर निकला हुआ रहता है, जो निष्पक्ष भाव रखता है, जो यह नहीं देखता कि धर्म किसका है, यह धर्म क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, केवल उसको हरि का भजन करने से मतलब होता है, तब वह बताया गया है कि वही व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानी माना जाता है, वही व्यक्ति संत माना जाता है, सबसे बड़ा व्यक्ति वही माना जाता है जो संसार भूल भुलैया संसार को त्याग कर भगवान का नाम रटता रहता है, हरि का नाम जपता रहता है। आगे समझे, नेक्स्ट देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो तू के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू के मुख से क्या निकलता है, राम निकलता है, अर्थात हिंदू धर्म राम को मानता है और मुसलमान भगवान को क्या कहता है, खुदा, मतलब भगवान एक ही है, लेकिन हिंदू धर्म क्या कहता है, उसी भगवान को राम कहता है और मुसलमान धर्म क्या कहता है, खुदा कहता है। कहे कबीरा सो जीवता जो दू के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, जो ना हिंदू धर्म का है ना मुसलमान धर्म को अपनाता है, वह केवल भगवान को भगवान समझता है, उसी के पास भगवान रहते हैं। जो दू के निकट न जाए, जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता है, जो निष्पक्ष भाव रखता है, वही भगवान के समीप जा पाता है, अर्थात वही भगवान को पा सकता है, उसी से भगवान की, मतलब भगवान को पाने की जीत मानी गई है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा, वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त माना जाएगा, जो हिंदू और मुसलमान धर्म को छोड़कर केवल भगवान का नाम लेता है कि यह केवल भगवान है, ना तो ये खुदा है और ना ही राम है, ये सारा क्या है, एक ही रूप है माना गया है, जो इन सबसे दूर रहता है, इनके निकट भी नहीं रहता, इनके आसपास भी नहीं रहता है, वही भगवान को जीता है, अर्थात वही भगवान को प्राप्त होता है, उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। अगला है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोत चून मेदा भया बैठी कबीरा जी। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, काबा फिर काशी भया, अर्थात जो काबा का मतलब है जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल होता है, उसे काबा का रूप बताया गया, जैसे हमारा काशी है, हिंदू धर्म का काशी बताया गया है और मुस्लिम धर्म का काबा बताया गया है। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं, काबा फिर काशी भया, काबा का ही रूप तो क्या है,
काशी माना गया है, मतलब जो पवित्र तीर्थ स्थल काशी है उसे ही हम काबा कहते हैं, मुस्लिम धर्म उसे काबा कहते हैं और हिंदू धर्म उसे क्या कहता है, काशी कहता है। राम ही भया रहीम, और राम ही क्या है, रहीम का रूप है, राम ही क्या है, रहीम है, और काबा ही क्या है, काशी है। मोटा जिस प्रकार मोटा चून मेदा भया बैठी कबीरा जी, जिस प्रकार एक जो गेहूं होते हैं जब उनको मोटा पीसा जाता है तब तो वह चून कहलाता है, और जब वह बारीक पीस दिया जाता है तब वह किसका रूप होता है, मैदे का रूप माना जाता है। मोटा चून मैदा भया बैठी कबीरा जी, तो इसमें कबीरा जी कह रहे हैं कि जो मोटा चून, जो मतलब गेहूं को हम मोटा पीस लेते हैं तब तो वह चून हो जाता है, और जब वह बारीक पीस दिया जाता है तब वह मैदे का रूप हो जाता है। बैठी कबीरा जी, तो इसमें कह रहे हैं कि इन सबको त्याग कर जो काशी को काबा कहता है, राम को रहीम कहता है, और गेहूं को जब मोटा होता है तो चून कह देता है, उसको मैदा कहता है, मतलब वह सभी एक ही रूप होते हैं। जो इन सबको जान लेता है वही भगवान के करीब जा पाता है, अर्थात जो इन सबको नहीं मानता है, काशी काबा इन सबको एक मानता है, वही भगवान के सबसे निकट होता है, वही यह जानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है, जो इन सबको एक रूप ही मानकर चलता है। कहने का मतलब ये होता है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान है वो केवल एक ही है, चाहे हम खुदा कहे, चाहे उसे राम कहे, चाहे वह तीर्थ स्थल काशी हो, चाहे वह काबा हो, लेकिन वह सब क्या है, एक ही रूप है। जल जल होता है, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह पवित्र जल है, यह अपवित्र जल है, वह जल एक ही है, जिसको हम पवित्र और अपवित्र दो भागों में बांट देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान एक होते हैं, जिस वस्तु को इस बात को जान लेता है कि भगवान भगवान होते हैं, केवल एक ही होते हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, वही भगवान को प्राप्त होता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच न होय, सुगरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोय। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होय, यह कोई जरूरी नहीं है कि ऊंचे कर्म करने वाला ऊंचा व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, बड़े कुल में जन्म लेने वाला होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, यह जरूरी नहीं है कि वह ऊंचे कर्म करे, या फिर कहने का मतलब ये मान लो कि करनी ऊंच न होए, मतलब कर्म यदि ऊंचे होंगे, अच्छे कर्म करेगा तो वही व्यक्ति बड़े कुल का या बड़ा व्यक्ति माना जाएगा। ये नहीं है कि जो बड़े कुल में जन्म लिया हो वह ऊंचे कर्म करने से ऊंचा माना जाए, सॉरी छोटे कर्म भी कर सकता है, जो ऊंचे कुल में ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, जो ऊंचे कर्म करने वाला होता है वही सबसे बड़े कुल का जन्म, उसका जन्म माना जाता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसी को हम यह कहेंगे कि यह व्यक्ति क्या है, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, इस व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है। सुगरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हो, जिस प्रकार से सुगरन कलश सुरा भया, जो सोने का घड़ा होता है या सोने का जो बर्तन होता है उसके अंदर हम मदिरा डाल देंगे, जब उसके अंदर हम मदिरा डाल देंगे तब वह उसके गुण क्या हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। सोने के बर्तन में जब हम मदिरा डाल देंगे तो उसके गुण फीके पड़ जाएंगे। उसी प्रकार करने का मतलब ये होता है, कर्म ही सबसे ऊंचे होते हैं, तो हम कर्म करेंगे तभी हम ऊंचे व्यक्ति माने जाएंगे, यदि कर्म खराब करेंगे, कुकर्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे, नीचे व्यक्ति माने जाएंगे, नीच कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति माने जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, कबीरदास जी यहाँ यही कहना चाहते हैं, जो अच्छे कर्म करेगा वही भगवान को प्राप्त होगा, और जो कुकर्म करेगा वही नीच कुल का माना जाएगा। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो कबीरदास जी यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, इन पूरी साखियों से कहने का मतलब यह है कि जो संसार जो मोह माया का है, ये जो भूल भुलैया संसार है, इस सबको त्याग कर केवल आप हरि का भजन करो, ना तो वह खुदा है, ना वो राम है, ना वह काशी है, ना वह काबा है, वह सिर्फ एक भगवान है, एकमात्र भगवान का रूप बताया गया है। तो सभी धर्मों को त्याग कर
केवल आप हरि का ध्यान रखो कि हरि एक है, भगवान एक है, ना तो वह हिंदू धर्म में बटा है ना मुस्लिम धर्म में बटा है, सबका भगवान एक ही है और सबको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त करोगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फलों का प्राप्त होगा। जिस प्रकार से सोने की बर्तन में हमें सूरा भरा यानी मदिरा भर दी जाती है तो उसके कर्म फीके पड़ जाते हैं, चाहे वह कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ हो, लेकिन जब वह नीच हरकतें करेगा अर्थात कुकर्म करेगा तो वह कभी ऊंचे कुल का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, इसके जो कबीरदास जी का पद्य है, जो शब्द है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है इसका अर्थ सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। इन साखियों का जो अर्थ करोगे, जो व्याख्या करोगे, उसको आप सप्रसंग में करना है। सप्रसंग में करने के लिए संदर्भ में आप लिखोगे, यह हमारे क्षितिज भाग फर्स्ट से लिया गया है, यह कबीरदास जी की साखियों के अंदर से लिया गया है, इसकी साखियां बताई गई है, इस प्रकार से आप संदर्भ में लिखोगे। और प्रसंग में आपको क्या लिखना है, जो प्रसंग आप साखी आप लिख रहे हो उस साखी की आपको बात लिखनी है, जैसे मानसरोवर सुभद्र जल हंसा केली करार, तो इसमें बताया गया है मेन बात क्या बताई है, जिस प्रकार हंस मोती और उस समुद्र में उस मानसरोवर उस तालाब में हंस खेलता रहता है और मोती चुभता रहता है और कहीं जाने का उसका मन नहीं करता है, उसी प्रकार कबीरदास जी ने इसमें मनुष्य के लिए बताया है कि मनुष्य भी क्या है, जिस संसार में मोह माया में फंस गया है वह वहां से निकलना नहीं चाहता है। और इसके बाद में आप व्याख्या में इसकी सही तरीके से आप व्याख्या करोगे, तो शॉर्ट रूप में आप किस में करोगे, प्रसंग में करोगे।